वैसा तो समझ में आया, उसमें बीच में प्रभास का एक पार्ट आता है, कर्ण का पार्ट, वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा मूवी में। और बात करें डायरेक्शन, VFX एक नंबर था, मतलब वैसा कुछ लग नहीं रहा था कि VFX का इतना यूज़ हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया था। बेस्ट एक्टिंग मुझे अमिताभ बच्चन और प्रभास की लगी थी उस मूवी में। प्रभास का जो कर्ण का पार्ट था वो मुझे सबसे अच्छा लगा था। और कौन कौन है इस मूवी में? विजय देवरकोंडा है, दीपिका पादुकोण है, और भी कई हीरो हीरोइन है, मैंने उतना मतलब ध्यान नहीं दिया, लेकिन मूवी एक नंबर थी। जैसे कि 6000 ईयर के बाद एक कहानी फिर से शुरू हो रही है, जैसे अपने नया युग आ रहा है, इस तरह की कहानी काल्पनिक कहानी उन्होंने बनाई। और लोगों के बारे में मतलब एक्टिंग के बारे में जो बनाए, तो जैसे सुपरस्टार सभी है, प्रभास है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, सब ने एक्टिंग तो एकदम ज़बरदस्त बनाई है, उसमें क्या कोई डाउट नहीं है। स्टोरी सबसे अच्छा है कि ये जो फिल्म बनाए में से इसने विजुअल इफेक्ट जो डाले हैं, मतलब जिस तरह का इन्होंने एक विजुअल्स दिए है वो सच में काबिल तारीफ है। और ये एक बॉलीवुड में मतलब हमने पहली बार मतलब इस तरह का एंगेजिंग, 3 घंटे की मूवी होकर भी एंगेजिंग रखी है, कहीं भी बोर नहीं होती है, और जो विजुअल्स डाले हैं तो अमेजिंग है। और जो एंड में जो क्लाइमैक्स बनाया है और जो पार्ट टू का उन्होंने ये हाइक बनाया है, वो एकदम अमेजिंग लगा मुझे। इट्स अ फैबुलस फिल्म। एक्टिंग सभी की बहुत अच्छी है, सभी ने अपना 100% दिया है, बस इतना है कि किसी के सीन बहुत ज़्यादा थे, किसी के बहुत कम थे, सभी मतलब एवरग्रीन एक्टर है इस फिल्म में। सबसे ज़्यादा अगर फुटेज है, सीन्स है, तो अमित सर के, और उन्होंने एज यूजुअल अपना 100% दिया है। स्टोरी लाइन यही है कि रिलीजन्स को VFX के जरिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है जी। सॉन्ग और बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक है, मतलब कुछ वाव वाला नहीं है, लेकिन जो उसका सबसे बेस्ट है जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन VFX के जरिए जो प्रेजेंट किया है वो बहुत ही अच्छा। तो ये उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही फिल्म, बहुत आशाएं लेके गए थे हम फिल्म को लेकर, लेकिन फिल्म में इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, कैरेक्टर्स रूटेड नहीं हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, ऊपर से जिस तरीके से कहानी चलती है, स्पेशल इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, 2-3 फैक्टर्स है जो ठीक ठाक है, स्टार कास्ट जो है, बड़े स्टार कास्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिल्म में इतनी ज़्यादा खामियां हैं कि आपको इंटैक्ट नहीं रख पाती, बहुत कंफ्यूजिंग सी स्टोरी लाइन है। उसके अलावा जो फाइट के सीक्वेंसेस है वो कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, कॉमिक जो टाइमिंग है वो बराबर नहीं है, डायलॉग्स जो लिखे गए हैं वो इतने फुहड़ से लिखे गए हैं, बुढ़ा किसी को बोल दिया जाना या किसी को ये बोल दिया जाना कि हम इसकी वाट लगा देंगे, मतलब आप एक पीरियड ड्रामा, एक माइथोलॉजी की फिल्म की बात कर रहे हो, लेकिन भाषा पे आपकी पकड़ नहीं है, आपको कहानी की समझ नहीं है।